आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होना है। इससे पहले फैंस के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि ऑक्शन होता क्या है भाई, खिलाड़ियों की बोली कैसे लगती है, उनका बेस प्राइस कैसे तय हो जाता है, ये मेगा ऑक्शन में क्या हर टीम के पास अलग अलग पैसा रहता है, शायद मुंबई का ओनर अंबानी है तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं आईपीएल के ऑक्शन से जुड़ी हुई, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में टोटल 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन नीलामी की अंतिम सूची बीसीसीआई ने शॉर्टलिस्ट की है, उसमें टोटल 590 खिलाड़ी जिन पर बोली लगेगी। इसमें 370 भारतीय खिलाड़ी और 220 विदेशी खिलाड़ी हैं। इसमें से खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस के हिसाब से बांटा गया। इसमें सबसे महंगी कैटेगरी 2 करोड़ की है, जिसमें 48 खिलाड़ी हैं, उसमें 17 भारतीय और 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल है। ये बेस प्राइस आखिर होता क्या है और ये कैसे रखते हैं, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि टीम का पर्स क्या होता है। जो टीम के पास अमाउंट होता है ऑक्शन से पहले, तो क्या हर टीम के पास अलग अलग होता है, मतलब किसी टीम के पास ज्यादा किसी टीम के पास कम? तो मैं आपको बता दूं कि पर्स वो अमाउंट है जो एक टीम अपनी टीम बनाने में खर्च कर सकती है। इसमें उन खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि शामिल है जिन्हें वो ऑक्शन से पहले या तो रिटेन करते हैं या तो ऑक्शन में खरीदते हैं। सभी टीमों के लिए यह राशि इक्वल रहती है। ऐसा नहीं होता कि किसी टीम को ज्यादा दे दो, अगर उसने 4 बार ट्रॉफी जीती तो उसको 10 करोड़ एक्स्ट्रा दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। अब जानते हैं कि प्लेयर्स की बेस प्राइस क्या होती है और वो कैसे तय होती है। तो बेस प्राइस वह मिनिमम अमाउंट है जिस पर नीलामी में किसी खिलाड़ी के लिए बोली शुरू होती है। एग्जांपल के लिए किसी एक्स वाई जेड प्लेयर को ऑक्शनियर बोलता है कि ये एक्स वाई जेड प्लेयर 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए जो है वो उसकी बेस प्राइस है। यह कीमत नीलामी से पहले खिलाड़ी खुद तय करता है, साथ ही विदेशी खिलाड़ी को बेस प्राइस के साथ अपने देश के क्रिकेट बोर्ड का एनओसी भी जमा करना पड़ता है। एनओसी में यह साफ होता है कि उस खिलाड़ी के बोर्ड ने उसे आईपीएल में खेलने की अनुमति दे दी है। हाई प्रोफाइल भारतीय और विदेशी कैप्ड खिलाड़ी आमतौर पर अपना बेस प्राइस बहुत ज्यादा रखते हैं। आपको बता दें कि एक प्लेयर की मिनिमम बेस प्राइस जो होती है वो 20 लाख रुपए है, और एक अनकैप्ड प्लेयर की जो मैक्सिमम बेस प्राइस वो रख सकता है वो 50 लाख रुपए है। तो होप कि आपके सभी जो कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल जो होते हैं हर ऑक्शन में देखने वाले फैंस को, वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो हमारे चैनल के वीडियो जरूर चेक करना, अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।